एक्चुअली क्या है, मुझे पता चला कि इमली विवान को पसंद करने लग गई है. विवान के बारे में नहीं पता है. और चकोर ने कहा है कि तुम अगर सच में इमली से प्यार करते हो तो वो जिससे प्यार करती है उसके पास उसे रहने दो. तो वो चीज़ अभी सूरज को समझ आ गई है. और लेकिन वो इमली को देखने गया था कि वो कैसा फील कर रही है, हाउ इज शी, बिकॉज इतना कुछ हो गया उसके साथ. तो एक मोमेंट थी जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे बहुत टाइम के बाद. कहीं ना कहीं आज सूरज उदास भी है क्योंकि जो उनका बच्चा है वो जी, क्योंकि वो एक तरह से कनेक्ट हो गया था कुछ देर से. उसे रियलाइज हुआ था कि इमली से वो प्यार करता है. नहीं, उसके कनेक्शन की वजह ही थी बच्चा. बच्चा उसको रियलाइज हुआ कि बच्चा बच्चे के साथ भी उसका कुछ कनेक्शन है. सो दैट्स व्हाई उसे बहुत बुरा तो लगा है, लेकिन वो अपने आप को संभाल के आगे चल रहा है. इस सीन में जैसे कि देखा गया था आप कुछ ना जायज बच्चा, ऐसा कुछ डायलॉग था, क्या था मतलब? अरे क्या था मतलब, ये तो पता ही है ना कि हाँ. इमली के पेट में सूरज का बच्चा है और कहलाएगा तो नाजायज ही, क्योंकि हाँ. सूरज ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं है. तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे पहले लगा था कि अगर वो बच्चा हो जाएगा तो नाजायज कहलाएगा, इसी वजह से मैं उसके अगेंस्ट भी थी. लेकिन बाद में जब वो यहाँ रहने लगती है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे मतलब इसको बहुत प्यार है इमली से. तो मैं, मुझे तो अपने बच्चे से प्यार है ना, तो मुझे इसके प्यार की के लिए मैं उसको कहीं ना कहीं इस मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था मैंने कि अच्छा वो बच्चा होगा तो इसका ही फील है. तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे पहले लगता था कि वो नाजायज है, लेकिन बाद में मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो इस हवेली में आएगा तो तुम्हारा ही खून होगा, इसलिए नाजायज की बात. कहीं ना कहीं उड़ान में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि सूरज इमली से प्यार करते, इमली विहान से प्यार करते, विहान नहीं बेटा, विवान, विवान से, विवान से प्यार करते और चकोर भी विवान से प्यार करते. ये सब तो यही सब मजा आ रहा है ऑडियंस को, मुझे लगता है. और ये रिवील भी नहीं करना किसका किससे प्यार होगा, सब हम बता देंगे, लोग कोई देखने वाला नहीं है फिर. ना सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए, ये तो रहना चाहिए, नहीं तो सब पता चल जाता है. ना 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 नहीं, मैं जिसका भी जीते सच्चाई की जीत होनी चाहिए. सच्चाई की जीत चीज अगर हम अभी बता देंगे तो फिर सरप्राइज ऑडियंस को ये लगेगा अच्छा हो ये होने वाला, चलो अब नहीं देखते. और सच पूछे तो हमें खुद नहीं मालूम, हमें खुद नहीं मालूम, बिकॉज हम लोग बहुत कट टू कट शूट कर रहे हैं. एंड एज एक्टर्स हम लोग खुद थोड़ा स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करते हैं यहाँ पे सब लोग. तो हम आगे की बहुत, अभी क्या हो रहा होता हमें सिर्फ ये पता है कल परसों क्या होगा, हमें भी खुद नहीं पता क्या होने वाला है, ये हमें नहीं पता होता. लेकिन अगर पता भी हो तो मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए बचा के रखना चाहिए. मैं तो ये कहूँगी कि सूरज इतना अच्छा कर रहा है और इतना अच्छा इन्हों का ट्रैक वर्क कर रहा है, तो आप लोग देखिए और उसको खूब अप्रिशिएट करिए. और आप लोग कर रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं, यही चाहिए हम लोग को और क्या. मैं भी यही कहना चाहूँगा, आपने बहुत प्यार दिया है और भी प्यार देते रहिए, देखते रहिए हमारा शो. वी लव यू ऑल.